पत्रकार मोहित राजे पर हुए हमले के विरोध में सिटी प्रेस क्लब ने ज्ञापन दिया। दो दिन पूर्व कवरेज के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मोहित राजे पर कुछ लोगों ने हमला किया था। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह को दिए ज्ञापन में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। सिटी प्रेस क्लब द्वारा कंट्रोल रूम पर दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अग्रवाल समाज के चुनाव के एक दिन पूर्व गोला मंडी क्षेत्र में कवरेज के दौरान मोहित राजे पर कुछ लोगों ने हमला किया और बुरी तरह पीटा। हालात बिगड़ने पर उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसकी नामजद रिपोर्ट खाराकुआं थाने में दर्ज है। पत्रकारों ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला से भी चर्चा की और ज्ञापन में मांग की गई कि प्रकरण गैर जमानती धाराओं में दर्ज हो, हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने बताया कि फील्ड में काम करने वाले किसी भी कलमकार पर यदि हमला होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाई पर विगत कुछ दिनों पहले हमला हुआ और उस पर सामान्य कार्रवाई की गई और सामने वाले को बहुत रिस्पांस देते हुए हमारे पत्रकार भाइयों के साथ वहां पर बहरे में से जो पिटाई की गई थी और उस पर कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने जो बहुत कम धाराओं में कार्रवाई की थी उस धाराओं को बढ़ाने के लिए और पत्रकार भाई को सहायता कराने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सारे आज मीडिया जगत के हमारे साथ हैं। कवरेज के दौरान रिपोर्टर के साथ मारपीट की जा रही है, किस प्रकार से मामला दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी? आज एक ज्ञापन, एक मेमोरेंडम यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो सिटी प्रेस क्लब के साथीदारों के द्वारा भेजा गया है और उसमें जो पत्रकार साथी थे उनके साथ कोई कवरेज के दौरान घटनाक्रम हुआ है। इस घटना के बाद एक प्राइमर फेसी जो कार्रवाई होती है एमएलसी के आधार पर थाना खाराकुआ में की गई है और उसमें जो ज्ञापन में दिए गए तथ्य हैं उनको सीनियर लेवल पर वेरीफाई कराया जाएगा और जो मेडिकल परीक्षण है उसका भी हम रिव्यू कराएंगे। जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो पूरी पुलिस पूरी। उज्जैन से वीरेन शर्मा की रिपोर्ट।